एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे Amazon फेवरेट्स ऑफ दिस मंथ। इसमें नायका से लिए हुए दो प्रोडक्ट्स भी हैं। मैंने लास्ट मंथ जो नायका का हॉल किया था ना, उसमें से कुछ चीजें डिलीवर नहीं हुई थी, तो उसमें से दो आइटम्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, वो मैं एकदम लास्ट में दिखाऊंगी। मेनली ये Amazon फेवरेट्स वाला ही वीडियो है। मैंने पिछले दो महीने में Amazon से शॉपिंग करी है इधर उधर की। मैं एक साथ कभी भी Amazon से बहुत सारी शॉपिंग नहीं करती हूँ, इंस्टॉलमेंट्स में करती हूँ। तो जो जो सामान मैंने लिया था ना, उसमें से कुछ चीजें हैव ऑलरेडी बिकम माई फेवरेट, सो आई थॉट दैट आई विल शेयर देम विद यू। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, उसके सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो नाउ Let's begin the video with product number one. सबसे पहले चीज तो मैं आपको एक वाटर बॉटल दिखाने वाली हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी यूज करना चालू कर दिया, उसमें पानी भी भरा हुआ है। इट इज दिस बॉटल गाइज, एक मिनट क्लोजर लुक देती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स ट्रांसपेरेंट बट इट्स पिंक इन कलर। और इसमें ना यहाँ पे ये लॉकिंग वाला मैकेनिज्म है, इस टाइप का, ऐसे करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। ये 2.2 लीटर्स की बॉटल है। आइडली तो उससे ज़्यादा ही पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं उससे भी कम पीती थी, तो इसके लिए ये तो मेरा टारगेट रहता ही है कि इसको ख़त्म करूं। एंड इवन आफ्टर फिनिशिंग दिस, अगर मुझसे हो पाता है तो ही मैं और पानी पीती हूँ, नहीं तो मिनिमम इसको तो मैं पीती ही हूँ एवरी डे। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पर्सनली 8-10 महीने में जो प्लास्टिक वाली वाटर बॉटल्स होती है ना, उनको चेंज कर देती हूँ। बट आई रियली लाइक दिस वन, आई थिंक दिस इज सो क्यूट, और मेरा पानी पीने का जो कोटा होता है ना, वो भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। आई कांट बिलीव आई एम शोइंग माय टूथब्रश टू यू गाइस, बट दिस इज आल्सो अ न्यू परचेज। ये ओरल बी का इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका बटन है और यहाँ से ये चार्ज होता है। इट्स अ चार्जेबल इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इसको मैंने ऑलरेडी यूज करना चालू कर दिया है। ओरल बी की ना बहुत वेरायटी आती है इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस की, और मैं जब देख रही थी ना, एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने देखा 10,000, 15,000, 20,000 के भी टूथब्रशेज हैं। आई डोंट नो हु बायस देम, आई एम प्रीटी श्योर लोग खरीद ही रहे हैं इसीलिए हैं। आई गॉट दिस वन बिकॉज इसमें तीन मोड्स हैं, एक तो फास्ट वाला मोड है, एक मीडियम वाली स्पीड का मोड है, और तीसरा वाला जो मोड है ना, वो टीथ व्हाइटनिंग वाला मोड है। मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई कि एक टूथब्रश से टीथ व्हाइटनिंग कैसे हो सकती है, सो आई गॉट इट। दैट इज द ओनली मोड व्हिच आई यूज विद दिस टूथब्रश गाइस। बहुत बहुत अच्छे से वर्क करता है वो। ऑब्वियसली टूथब्रशेस कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर देंगे आपके दांतों में, वो सिर्फ क्लीन करते हैं आपके दांतों को, लेकिन जो टीथ व्हाइटनिंग वाली जो पल्स है ना, वो बहुत डिफरेंट है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, साउंड से आपको पता चलेगा। अभी फर्स्ट वाला मोड बता रही हूँ, जो फास्ट वाला है। अब सेकेंड वाला, जो थोड़ा स्लो है। एंड फाइनली थर्ड वाला, जो टीथ व्हाइटनिंग वाला मोड है। सो मॉर्निंग एंड नाइट आई ब्रश माई टीथ, और मेरा माउथ ना बहुत बहुत ज्यादा क्लीन फील करता है गाइज, आई एम नॉट इवन किडिंग। वन मोर थिंग विच इज गुड अबाउट दिस टूथब्रश इज कि अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना अपने दांतों पे, तो यहाँ पे ना एक लाइट जलती है। आई जस्ट शो इट टू यू। बहुत जोर से ब्रश करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है आपके दांतों के लिए, इसलिए वो लाइट वाला भी फीचर दिया हुआ है। ओवरऑल दिस वाज टोटली वैल्यू फॉर मनी। दूसरे जो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आते हैं ओरल बी के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बट आई लाइक दिस वन अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑल द फीचर्स दैट इट हैज। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो है मिरर्स। मैंने दो डेस्क मिरर खरीदे। मैं एक्चुअली जब भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना वीडियोस अपने स्टूडियो में, तो ऑब्वियसली मुझे डेस्क मिरर की जरूरत पड़ती है, और मुझे ये दो मिरर्स में कंफ्यूजन था, तो मैंने दोनों ले लिए और कोई भी रिटर्न नहीं किया, बिकॉज आई लाइक देम सो मच। सबसे पहला डेस्क मिरर है ये। इट इज ब्यूटिफुल गाइज, इट लुक्स सो एस्थेटिक। जब भी आप टेबल पे इसे रखते हो ना, बहुत एस्थेटिक ये लगता है। गोल्ड की पूरी डिटेलिंग है इसमें, और यू नो ये चीज मूव भी करती है, तो अपने हिसाब से आप एंगल सेट कर सकते हो। दिस वॉज सच अ गुड बाय। और दूसरा जो मिरर मैंने खरीदा था वो है ये। दिस इज हाउ इट इज। ये मैंने पिंक कलर में खरीदा था, लेकिन ये व्हाइट बेस वाला डिलीवर हुआ मुझे। सो दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड मिरर। इसकी हाइट बहुत अच्छी है। ये जो राउंड वाला है ना, उससे थोड़ा बड़ा फील होता है, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर मिरर। और इसमें भी आप जो एंगल है ना, वो एडजस्ट कर सकते हो। इसको बस क्लीन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बिकॉज कोई यू नो फ्रेम नहीं है मिरर का, तो एकदम हाथ से जब पकड़ते हैं तो हाथ के वो प्रिंट्स आ जाते हैं। बट आई रियली लाइक इट बिकॉज इट सर्व्स द पर्पस वेरी वेल। और ये भी यू नो रखा हुआ डेस्क पे काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो मैंने अपने फ्रीजर के लिए खरीदी थी। आइस जमाने वाली ट्रे है ये। दिस इज हाउ इट लुक्स गाइस। और इसमें ना राउंड शेप की आइस आप जमा सकते हैं। मतलब लेट मी जस्ट ओपन दिस। इसको मैंने वॉश किया था इस वीडियो के लिए, बट ये ऐसे दो पीसेस में आती है।
इसको बंद करके एक ये छोटी सी फनल जैसी साथ में दी थी, जिसको आप ये जो छेद बने हुए हैं ना उसमें रख के पानी भर सकते हैं यहाँ से. एंड वंस इट इज कम्प्लीटली फिल्ड, उसको जमाने के बाद ना एक राउंड शेप की आइस इसमें बनती है. थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको यूज करना, बिकॉज पानी थोड़ा तो बाहर गिर ही जाता है और आसपास भी आइस जम जाती है. बट आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट बिकॉज वो जो आइस बनती है ना बड़ी कूल लगती है. मैं यूजुअली आइस अमेरिकानोज पीती हूँ, तो पहले जो मैं 3-4 क्यूब्स डालती थी ना आइस के, इसकी बस ये एक जो बॉल बनती है ना वही डाल दो आइस की, इट इज मोर देन इनफ. और ये सिलिकॉन का भी है तो इसमें से आइस निकालना बड़ा आसान होता है और इसे वॉश करना भी बहुत ईजी होता है. नेक्स्ट चीज जो मैंने अमेजोन से खरीदी थी वो है ये वैसलीन की लिप थेरेपी लिप बाम. और मैंने एक रोजी लिप्स वाली और जो ओरिजिनल केयर वाली है ये दोनों खरीद ली. सो रिसेंटली माई स्किन वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड स्पेशली मेरे जो लिप्स थे ना वो एकदम ऊपर का जो एरिया होता है ना वो सैंड पेपर जैसा फील हो रहा था. सो मैंने अपने डर्मेट को कंसल्ट किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि जो वैसलीन आती है ना दैट इज लिटरली द बेस्ट. उसको बार बार अप्लाई करना पड़ता है बट बहुत हेल्प करती है चैप लिप्स को हील करने में. आई फर्स्ट बॉट दिस, आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई रियली रियली लाइक दिस लिप बाम गाइज. बहुत सारे घंटों के लिए आपके लिप्स पे नहीं रहती है, रीअप्लाई से करना पड़ता है, लेकिन चैप लिप्स और जो ड्राइनेस है ना उसे हील करने में बहुत अच्छे से वर्क करती है. तो एक मैंने अपने स्टूडियो में रखी हुई है और ये वाली मैंने अपने बेड साइड पे रखी हुई है. दिस इज द लिप बाम व्हिच आई एम करंटली यूजिंग एंड लविंग. नेक्स्ट मैंने अमेज़न से खरीदे ये मिनी आई शेडो. ये मार्स के हैं और इनका नाम है नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पैन. इस रेंज का नाम है नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पैन. इसकी पैकेजिंग ना ऐसी है, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में ये आते हैं और ये होलोग्राफिक आई शेडोज हैं, मतलब कलर शिफ्टिंग आई शेडोज हैं. वो होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स में कलर शिफ्ट होता है, मतलब एक पिंक आई शेडो किसी और एंगल से थोड़ा ग्रीन सा लगता है, तो ये उस टाइप के आई शेडोज हैं. और इंडिया में बहुत कम कंपनीज हैं जिनमें ये वाले आई शेडोज मिलते हैं. इनफैक्ट मैंने पर्सनली सिर्फ हुडा ब्यूटी की जो पैलेट्स आती है ना उनमें ज्यादा करके होलोग्राफिक आई शेडोज देखे हैं, बाकी आई शेडो पैलेट्स में नहीं देखे हैं. सो आई गॉट ऑल 4 शेड्स. मैं एक एक करके आपको स्वॉच दिखाती हूँ. इस शेड का नाम है फिनलैंड फ्लैश. जो ये सेकंड शेड मैंने लगाया है इसका नाम है नॉर्वेजियन नाइट्स. नेक्स्ट शेड का नाम है कैनेडियन ग्लीम. ये लास्ट शेड है गाइस, इसका नाम है स्वर्लिंग स्वीडन. मुझे पता नहीं है इसके जो एक्चुअल शेड्स हैं वो कितना कैमरा कैच कर पाया है, बिकॉज ये होलोग्राफिक वाले जो आई शेडोज होते हैं ना बड़ा डिफिकल्ट होता है कैमरा में प्रॉपरली इनको देखना. आईज पे भी ये बहुत प्रिटी लगते हैं. मैंने अभी तक कोई ट्यूटोरियल बनाया नहीं है बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड देम आउट एंड दीज आर सो नाइस, दे आर वेरी पिगमेंटेड. मेरा जो फेवरेट शेड है ना वो फर्स्ट वाला शेड है विच इज कॉल्ड फिनलैंड फ्लैश. ये मेरा फेवरेट शेड है आउट ऑफ दिस रेंज, लेकिन बाकी भी बहुत अच्छे हैं. फाइनली जो मैंने नायका का हॉल किया था उसमें से फेवरेट जो मेरी फ्रेग्रेंसेज है ना दो, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ. और भी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए बट आई विल कीप देम फॉर अनादर डे. आज के लिए सिर्फ फ्रेग्रेंसेज दिखा रही हूँ. सबसे पहला है रेने कॉस्मेटिक्स का ब्लूम परफ्यूम. आई रियली लाइक दिस परफ्यूम गाइज. ऑल्दो ये ना एक बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम जैसा स्मेल नहीं करता है बट इट हैज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस. मतलब वो एक फ्लोरल और मस्क का कॉम्बिनेशन होता है ना जो सेटल डाउन करके थोड़ा पाउडरी सा स्मेल करता है, इसकी वैसी फ्रेग्रेंस है. आई रियली लाइक यूजिंग इट. बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. ये वाला जो इशू है वो सारे जो थोड़े से अफोर्डेबल परफ्यूम्स होते हैं उसमें होता ही है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 घंटा आराम से चल जाता है. और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूटी या स्वीट टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं है, थोड़ी सी फ्रेश सी ही फ्रेग्रेंस है. So I really like using it. Last and final product है Skin by Titan का ये deodorant. Variant का नाम है Nude. ये वाला जो variant है ना Skin by Titan का, इसका perfume भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So I bought a deodorant मेरे नायका हॉल में. I love 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 this deodorant guys. पहली बात तो ये एक टिपिकल डिओड्रेंट जैसी इसकी फ्रेग्रेंस नहीं है, इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक अ नाइस लाइट परफ्यूम. परफ्यूम के जितना लंबा ऑब्वियसली ये लास्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो मुझे बहुत पसंद है. काफी माइल्ड है, एकदम ऐसे हिट नहीं करती है सर को और काफी फ्रेश भी फील होता है इसे लगाने के बाद. सो इट इज काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर योर जिम और इफ यू नो गोइंग आउट ऑन अ हॉट डे, उसके लिए ये डिओड्रेंट परफेक्ट है.
सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर इस वीडियो में से जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं उनको लेके आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, होप यू हैव अ ग्रेट ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन सून. बाय.